हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नागरिकता संशोधन कानून का भले ही आज भी देश के अलग अलग शहरों के कुछ हिस्सों में विरोध हो रहा हो या फिर CAA को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहे हों, मगर भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद न सिर्फ गैर मुस्लिम शरणार्थी बल्कि मुस्लिम समुदाय के उन विदेशी नागरिकों की सोई उम्मीद एक बार फिर जगी है जो पिछले 3 दशकों में रहे तो भारत में रहे थे मगर पिछली सरकारों में उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकी थी। रिपोर्ट देखिए। CAA और NPR को लेकर जहां देश में अभी भी बहस छिड़ी है, विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से बनाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद उन तमाम लोगों में आस जग गई है जो या तो भारत में शरणार्थी हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीजा पर देश में आए थे। इनमें बहुत से ऐसे मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो पाकिस्तान की बेटी जरूर है मगर उनका निकाह हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्लिम युवकों से हुआ। यूपी के बुलंदशहर में भी 20 से ज्यादा ऐसे ही लोग बताए जाते हैं जो भारत में नागरिकता पाने के लिए पिछले काफी सालों से जद्दोजहद कर रहे थे, मगर CAA लागू होने के बाद इन लोगों में एक बार फिर नागरिकता पाने की आस जगी है। अपने स्क्रीन पर दस्तावेजों को खंगालती जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बहुएं हैं। इनमें से किसी ने 10 साल तो किसी ने 30 साल पहले निकाह कर पाकिस्तान को छोड़ दिया और हिंदुस्तान में ही आबसी। सिर्फ फाखरा, साजिया, सना ही नहीं बल्कि बुलंदशहर में इनके जैसे 24 पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबे समय से पाकिस्तानी एम्बेसी सहित सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। फाखरा, साजिया और सना भी उन्हीं में से एक है। फाखरा और सना तो यहाँ तक बताती हैं कि उनका पासपोर्ट भी जमा करा लिया गया है, जबकि फाखरा को नागरिकता के लिए NOC जारी कर दी गई थी। फाखरा, साजिया और सना की माने तो भारत का विभाजन होने से पहले उनके दादा दादी भारत के बुलंदशहर जनपद के रहने वाले थे और बाद में ये भी निकाह कर हिंदुस्तान में आबसी। LTV पर दशकों से रह रही इन पाकिस्तानी महिलाओं को अब PM नरेंद्र मोदी से नागरिकता संशोधन कानून से काफी उम्मीद लगी हुई है। जी, मेरा नाम फाखरा नौरीन है। मेरी 31 साल पहले यहाँ पे शादी हुई थी, उसके बाद मैं रहती रही LTV पे। फिर 7 साल बाद तो ये लोग कहते हैं कि आप इसको नेशनलिटी आपको जमा करवाएं, आप नेशनलिटी के कागज़ जमा कराएं। वो जमा करवाए, फिर 6-7 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर उसके बाद इन्होंने अब पिछले 5 साल पहले हमें कहा कि आप नेशनलिटी के पेपर दोबारा जमा कराएं। ऑनलाइन हमने जमा कराए, जमा कराने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि अब 1-1.5 साल बाद उन्होंने कहा कि आप अपने आपको हमने नेशनलिटी के लिए वो कर लिया है, अप्रूव हो गई है आपकी नेशनलिटी, आप हम अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट ख़त्म करवा दें। हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके वहाँ पे सबमिट करवाया। वहाँ से हमने वहाँ पे 6 महीने बाद उन्होंने हमें NOC दी। NOC देने के बाद हमने ला के यहाँ पे उनको दिए, 10,000 रुपये जमा कराए। अब 1.5 साल हो गए हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं है हमारे उसका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हम बगैर ना तो हम अब इंडियन हैं और ना ही हम पाकिस्तानी हैं। मेरा नाम सना जहीर है और मैं पाकिस्तान की तो बेटी हूँ और यहाँ मैं बहू बन के आई हूँ। बुलंदशहर में मेरा घर है और लेकिन मुझे 16 साल से मेरी शादी हुई है 16 साल में और मैं यहाँ 8 साल से मैं अपने घर नहीं गई हूँ। और इस देवली के मेरे माता पिता के जो दादा थे हमारे, वो इस बुलंदशहर के देवली गांव के थे और मैं उन
मोदी सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे जल्द अज जल्द यहाँ की नागरिकता दिलवाएं और मुझे यहाँ पर हमारी रिहाइश हो सके और हम अपने घर भी अब मिलने के लिए जाना चाहते हैं। ये सब वो जिसकी वजह से बाजी की अब ये हमें उनको कोई बताना है ना हमने किससे साइन करवाना है और उनको साइन करने चाहिए। देखिए देश का बंटवारा हो गया, बंटवारे होने के बाद दिलों के बंटवारे नहीं हो पाए, संस्कृति के बंटवारे नहीं हो पाए, एक ही तहजीब, एक ही तमद्दुन, और उसके बाद में जो बेटियां पाकिस्तान की यहां बहू बन के आए हिंदुस्तान में और 30 साल 31 साल मेरी धर्मपत्नी को 16 साल हो गए और इस कार्यकाल में हमें जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारे पास हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे दो बेटे इसी प्रक्रिया में ख़त्म हो गए और मुझ पर बेटी है और कहीं ना कहीं हमारी सभी परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ, दादा दादी, वो भी तनाव में हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी धर्मपत्नी का ऑल इंडिया जो प्रसिद्ध मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट हैं उनका इलाज चल रहा है सर, और पिछले 8 साल से वो पाकिस्तान अपने महके भी नहीं जा पाई हैं और 2.5 साल हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय और भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमने पाकिस्तान की नागरिकता इनकी रद्द करा दी और उसके बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें NOC दी, उसको भी 2.5 साल हो गया, फीस जमा हो गई 10,000 भारतीय नागरिकता के लिए, लेकिन उसके बाद भी सिवाय चक्कर लगाने के और जूती तोड़ने के आज तक हमें सर कोई लाभ नहीं हुआ। जहां देश में नागरिकता कानून लागू होने के बाद लंबे समय से नागरिकता की जद्दोजहद में जुटे हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारतीय नागरिकता मिलने की आस जगी है, तो वही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि आवेदकों को नागरिकता मिल सके, इसका हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो एक्ट में प्राविधान है और जो वर्तमान में कानून होंगे उन कानूनों और अधिनियमों के तहत जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कुछ आवेदन आए हैं क्या? जो भी आवेदन आए होंगे उन पर अधिनियम और कानून के अनुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर अपर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को नागरिकता मिल सके इसके लिए नियमानुसार आवेदन की जांच कर शासन को भेजा जा रहा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।